अमृतसर के टुंडा तलाब इलाके के कोल फुलां वाले चौंक की लुट की तस्वीर कानून व्यवस्था से सवाल चुकती नजर आ रही है। इन जापता है कि अमृतसर दी सड़कों पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह तस्वीर को ध्यान नाल देखो, मोबाइल देखता जाता हुआ यह नौजवान जिसका नाम मानपुरी है एकदम उसके कोल पांच नौजवान पहुँच जाते हैं, उसके कोल मोबाइल खो के लै जाते हैं, अगे जाके जिस तरह ही मार पिछे मुड़ता है तान पछाते नौजवान पिस्तौल उसके मुँह से तान देंगे ने। यह सारी घटना सीसीटीवी के कैद हो गई, जिसन पुलिस ने कब्जे में लैके दोषियों की भाल शुरू कर दी है। ये जी मानपुरी नाम का लड़का सी रात टुंडा तलाब तो यह जरा वा करीब 10 बजे जा रहा सी अपने घर नूं कटरा दूलो नूं। जब फुलां वाले चौंक के नेड़े पहुँचा तो अगों स्कूटर एक्टिवा स्कूटर ते मोटरसाइकिल ते सवार पांच नौजवानों ने जरा वो कोलों पिस्टल दिखा के उहदा मोबाइल खोलिया। सर कित्थों दा रहण वाला सी ये लड़का? कटरा दूलो दा। सर जिहड़े पांच जणे सीसीटीवी दे विच आए आ उहनां बारे कुछ पता लगा? नहीं अजे नहीं पता लगा, अजे अननोन परसन के खिलाफ जी असी एफ आई आर दर्ज की गां इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर लड़के की कितने दुश्मनी वगैरह से या खोद चक्कर आए? वह इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगे सारा आएगा जी, अजे हाल की घड़ी तो उन्हें जी स्नैचिंग की है। जिसे को स्नैचिंग हुई है गलबात आई उन्हें दसा कि बंदे की पछाण च है जी या नहीं? नहीं अजे तक नहीं, अजे तक वो कहता कि नहीं मेरी पछाण च नहीं है। एफ आई आर रजिस्टर करके जी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, गां इन्वेस्टिगेशन दे विच जो भी सामने आएगा उस मुताबिक। सर लग नहीं रहा कि जिहड़े अपराधी ने उन्हां दे हौसले ने बुलंद हो गए ने कि हुण वो जी वारदात करते हैं शरेआम करते पे ने परवाह नहीं करते पे, पुलिस का किस तरह का रहेगा रोल? पुलिस का यही काम है जी, वारदात हुई है तो उन्होंने ट्रेस किया जाएगा, जल्दी ट्रेस करके जरा उन्होंने जरा वा जेल पहुँचाया जाएगा। आवाज़ कम टीवी लिए अमृतसर तो पत्रकार हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।